पत्र सभी माननीय विधायक को दिया गया, व्हाट्सएप पे भी भेजा गया, यह कहते हुए कि सभी स्थानीय विधायक वैसे अस्पताल जो आपके विधानसभा में जर्जर हो, वैसे अस्पताल जहां पे सरकारी जमीन उपलब्ध हो जहां पे आप बनाना चाहते हैं, तो सभी स्थानीय विधायक एक पत्र लिख करके जिला को समर्पित करें। उसके आधार पे हम लोगों ने वहां के प्रखंडों के सीओ से हमने जो है जांच कराया कि ये जर्जर है, इसको बनाने का हम लोगों ने अनुशंसा किया। साथ साथ कुछ सीओ ने ऐसे जगह पे जमीन आइडेंटिफाई किया जहां पे आबादी शून्य थी। उसके बाद हम लोगों ने जिलाधिकारी को महोदय कहा कि यह गलत तरीके से जमीन दिया जा रहा है, ऐसे जगह पे बनाया जाए। चलिए सुदूर हो आ गया, पत्र दिया है माननीय मंत्री जी, पत्र की जांच करवा लेंगे। नहीं महोदय, मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। नया नए स्थल पे नहीं बनना है, जो पूर्व से स्वीकृत है, जहां पे भवन की आवश्यकता है वहीं पे बनना है। और जब मैंने अभी अपने जवाब में कहा कि कई जिलाधिकारियों ने बातचीत किया तो उधर से आवाज आई ना, और माननीय सदस्य स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पत्र दिया, उनको पत्र तक लिखा है जिलाधिकारी, उन स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। तो ये मैं फिर भी उसके बाद से भी आगे बढ़ के कर रहा हूँ, और सदन में जो आश्वासन सरकार ने दिया उससे हम वापस नहीं हो सकते हैं। पूर्व के जो आश्वासन दिए हैं उसका ध्यान हमको रखना पड़ेगा, उसके बावजूद भी हम करें कि फिर भी आपका कोई सुझाव है आप हमको दीजिए, आमंत्रित मैं करता हूँ। ठीक है अध्यक्ष महोदय, अब आ गए इतना स्पष्ट जवाब। महोदय, पूरे राज्य के जिला पदाधिकारी ने सभी माननीय सदस्यों से अनुशंसा की मांग की थी। आपका पूरक से लोग आगे बढ़ गए, अब आप बैठ जाइए। महोदय, पूरे राज्य के जिला पदाधिकारी ने माननीय सदस्यों से 5-4 स्वास्थ्य केंद्र और एक बड़ा पीएससी बनाने का अनुशंसा मांग किया। सभी माननीय सदस्यों ने अनुशंसा करके भेजा है, और महोदय निर्णय हुआ है एक माननीय सदस्यों के अनुशंसा को लागू नहीं किया। चलिए अलग विषय है, ये अलग हो गया। महोदय आखिर किस आधार पर, जिस पत्र का उल्लेख है उसमें विस्तार से बता दिए, किस आधार पर चयनित? अध्यक्ष महोदय, अब आपको क्या है, इसी बिंदु पर आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक विद्यालय या उप स्वास्थ्य केंद्रों के लिए पंचायत से बीडीसी को भेजा जाता है, बीडीसी आपको जिला को भेजता है, और कहीं से भी अभी तक माननीय विधायकों के लिए प्रावधान नहीं किया गया। आपने इस पर नहीं, माननीय मंत्री से आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि सीधे आपको मिलके भी जान लेते हैं। नहीं, इसमें माननीय विधायकों की परामर्श का कहीं व्यवस्था नहीं है, सीधे पंचायत भेजता है बीडीसी को, बीडीसी माननीय मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे। चलिए श्री चंद्रशेखर,